हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ये वीडियो रे डिस्कस करिबा एक्सरसाइज 3 रो 7 नंबर क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो रे हम डिस्कस करथिले 6 नंबर पर्यंत, तो वर्तमान स्टार्ट करिबा 7 नंबर। तो वीडियो स्टार्ट करिबा, तो वर्तमान आम करवा 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये कौन अच्छे चित्र वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु हूँ कौन पी। देख ये वृत्तर बहिस्थ बिंदु हूँ कौन पी अच्छी। तो नेक्स्ट पी बिंदु आम एक छेदक पूर्वोक्त वृत्त को ए व बी बिंदु रे छेद करे। देख पी जो बहिस्थ बिंदु गोटे छेदक ये अंकन कराई, तो कौन वृत्त को ए एवं बी बिंदु रे छेद करुच्छे। मीन्स ये कौन पी ए बी, देख पी ए बी एटा हूँ कौन गोटे छेदक रेखा। तो नेक्स्ट पी बिंदुगामी स्पर्शक रश्मिर स्पर्श बिंदु हूँ कौन टी। नेक्स्ट कौन पी रु गोटे वृत्तपति गोटे स्पर्शक ये अंकन कराई, तो से जो स्पर्श बिंदु हूँ कौन टी। ठीक अच्छे ना, ताल देख ये 7 रे 1 नंबर कौन अच्छी मेजर ए एक्स टी चाप। मीन्स देख एठारे ए एक्स टी एटा हूँ गोटे चाप, तो ये जो चापर डिग्री परिमापर भैल्यू देते 60 डिग्री देती। मीन्स देख मुझे जानी ए चापर डिग्री परिमाप मैंने कौन वृत्तर एटा हूँ कौन केन्द्र हम ताल जदि आम एटा जोड़ीदे ताहले हूँ कौन एटा हूँ ए कोणर परिमाण हूँ के 60 डिग्री देती। मीन्स ए एक्स टी चापर डिग्री परिमाप के 60 डिग्री देती। नेक्स्ट कौन दे मेजर बी वाई टी, देख बी वाई टी ए चापर डिग्री परिमाप के 130 डिग्री। मीन्स देख आम यू जोड़ीदे मीन्स ए कोण हूँ के 130 डिग्री देती। बुझा पड़ा कि ताहले नेक्स्ट कौन ये पचार एम एंगल ए टी पी आम बाहर करवा कौन ए टी पी। मीन्स आम एटा जोड़ीदे तो ए कौन आम बाहर करवा, तो से हीपरि कौन एम एंगल ए पी टी। मीन्स देख ए पी टी ए कौन बाहर करवा एवं कौन दे एम एंगल ए टी बी ए टी बी। मीन्स देख यटा जोड़ीदे मीन्स आम ए टी बी ए कोण आम बाहर करवा। बुझा पड़ा आउ गोटे कौन एम एंगल बी टी क्यू एम एंगल कौन बी टी क्यू। मीन्स ए कोण आम बाहर करवा। ताल देखो फास्ट आम लिखिदे दत्तर लिखा, तो ये दत्त कौन लिखा आम तो देख ये कौन पी ए बी एटा हूँ कौन वृत्तर गोटे छेदक। तो देख लिखिदे मु पी ए बी वृत्तर एक छेदक वृत्तर एक छेदक। तो से हीपरि नेक्स्ट कौन पी बिंदु गोटे स्पर्शक अंकन कराई, तो लिखिदे आम कौन पी टी वृत्तर हूँ कौन एक स्पर्शक वृत्तर एक स्पर्शक। तो ये आम देती। तो नेक्स्ट ये एक नंबर आम कौन कौन दे देख ये मेजर ए एक्स टी चाप इक्वल टू के 60 डिग्री, तो से हीपरि मेजर बी वाई टी चाप इक्वल टू देती के 130 डिग्री। तो आम पचार देख तो आम प्रामाण्य लिखा, तो कौन देख फास्ट हूँ मेजर एंगल ए टी पी नेक्स्ट एम एंगल ए पी टी नेक्स्ट कौन एम एंगल ए टी बी वो एम एंगल बी टी क्यू एसबूर भैल्यू आम बाहर करवा। बुझा पड़ा तो बर्तमान देख लिखा प्रमाण, देख ये प्रमाण देख एटा कौन दे एक्स टी ए चापर डिग्री परिमाप के 60 डिग्री देती हाँ कि नाई। ताल देख आम पढ़ी प्रमेय 2.6 मीन्स आम जो एक्सरसाइज 2 रो बी रो जो बेसिक कन्सेप्ट आम कौन पढ़ी, तो सेटा होची कौन देख गोटे चापर अंतर्लिखित कोण तार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक। बुझा पड़ा ना, देख एठारे ए बी टी एटा हूँ गोटे चाप है गोटे बृहत चापर गोटे अंतर्लिखित कोण है तार विपरीत चाप हूँ कौन ए एक्स टी हाँ कि नाई। ताल कौन तार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक मीन्स एटा के 30 डिग्री हम कत 30 डिग्री हम। बुझा पड़ा ना, ताल आम लिखा कौन एठारे ए एक्स टी लिखा मेजर मेजर कौन ए एक्स टी चाप आम के 60 डिग्री देती। नेक्स्ट आम लिखिपर कौन एठारे ए बी टी एंगल ए बी टी इक्वल टू के 30 डिग्री हम कहीं गोटे चापर अंतर्लिखित कोण तार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक। ठीक अच्छे ना, तो ये केते हला हले 30 डिग्री हला। ताहले हमर जो एक नंबर फास्ट आम कौन पचार एम एंगल ए टी पी देख
ए टी पी मीन्स ए कौन पचार तो देख ए कौन इक्वल टू ए कौन हम कि ना तो आम पढ़ी एकांतर चापर तो यहाँ हूँ कौन एकांतर चापातर लिखित कण गुड़ा गुड़ा बुझा पड़ा तो यहाँ हूँ कौन एकांतर चापातर लिखित कण आम बेसिक कनसेप्ट पढ़ी थे जदि यहाँ तीस है यहाँ के तीस डिग्री ही हम तेल देख आम आर भैल्यू पाईले तो ये कौन हम एम एंगेल ए टी पी इक्वल टू कौन एम एंगेल ए बी टी इक्वल टू के तीस डिग्री तालोल लिखिपर एम एंगेल ए टी पी इक्वल टू के तीस डिग्री आम पाईले तो नेक्स्ट आम बाहर करवा कौन एम एंगेल ए पी टी तो ये कौन देख एम एंगेल ए पी टी अच्छी देख ए कौन रिमाण किपर बाहर करवा तो देख एटी आमर जो दे दत्तरे कौन दे मेजर बी वाई टी मीनस देख बी वाई टी ए चापर डिग्री परिमाप के शहे तीस देटा के शहे तीस अधा हमारे ना गोटे चापर अंतर्लिखित कण तार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक हम मीनस ये जब शहे तीस है ये हम शहे तीस बै टू हम मीनस के सिक्सटी फाइव हम बुझा पड़ा ना तो बर्तमान देख आम ये लिखा दुई नंबर देख तो ये आम लिखिपर ए कणर नाम हूँ कौन एम एंगेल बी ए टी एम एंगेल कौन बी ए टी इक्वल टू के इक्वल टू लिखिद मेजर बी वाई टी मेजर बी वाई टी चापर बै टू हम बुझिपारे शहे तीस बै दुई मीनस के सिक्सटी फाइव आसला के आसला सिक्सटी फाइव ताल देख ए कोणर परिमाण के आसला सिक्सटी फाइव डिग्री आसला तो बर्तमान आम नोटिस करिबा त्रिभुज ए टी पी बुझिपार त्रिभुज ए टी पी रहा हूँ कौन गोटे बहिस्थ कोण है जाने गोटे त्रिभुजर बहिस्थ कोण तार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि सहित सामान ना मीनस कौन ए कोण आ कोण जब मिसला मीनस ए कोण हम बुझा पड़ा ताल बर्तन लिखा त्रिभुज ए टी पी रेठार कौन ए कोण नाम हूँ एंगेल बी ए टी एंगेल बी ए टी इक्वल टू के 65 डिग्री अच्छी ताल यहाँ हूँ कौन गोटे बहिस्थ कोण है बर्तमान लिखा एंगेल बी ए टी सब थे एम एंगेल लगे तो एम एंगेल बी ए टी इक्वल टू कौन हम ए कोण प्लस ए कोण हम ए कोण नाम हूँ एंगेल ए टी पी एम एंगेल ए टी पी प्लस ए कोण नाम है एम एंगेल ए पी टी एम एंगेल कौन ए पी टी ताल बर्तमान देख ए कोणर परिमाण हूँ के 65 तो ये लिखा 65 इक्वल टू ए टी पी बर्तमान आम बाहर करते ए टी पी के आसला 30 तो ये लिखिद आम 30 प्लस एम एंगेल कौन ए पी टी ताल नेक्स्ट कौन हम एम एंगेल ए पी टी इक्वल टू के 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री ताल के 35 डिग्री बुझा पड़ा ना तो देख आम एटा आसीगला तो आर भैल्यू के आसला 35 डिग्री आसला तो नेक्स्ट आम कौन बाहर करवा एठार एम एंगेल ए टी बी तो बर्तमान देखिए आम कौन एम एंगेल ए टी बी मीनस ए कौन आम बर्तमान बाहर करवा तो देख एठार त्रिभुज ए बी टी ए जो त्रिभुज दुईट कोणर परिमाण ये अच्छी ना यहाँ हूँ के तीस डिग्री आउ यहाँ बाहर कले के 65 डिग्री देख बी ए टी यहाँ हूँ के 65 डिग्री ताल देख ये दुईट कोणर परिमाण आम जाने आम कौन करवा दुईट को मिसेकि आम जब 180 जब माइनस करदे ए कोण आस बुझा पड़ा ना तो देख ए कोणर नाम हूँ कौन एंगेल ए टी बी लिखा एम एंगेल ए टी बी इक्वल टू आम कौन लिखा ए कोण प्लस ए कोण बुझा पड़ा ना कहीं त्रिभुज ए बी टी अच्छी है त्रिभुजर तीनो कोणर परिमाण समष्टि होती है 180 डिग्री ताल लिखे आम ए कोणर नाँ हूँ एम एंगेल ए बी टी एम एंगेल ए बी टी प्लस ए कोणर नाँ है एम एंगेल बी ए टी एम एंगेल कौन बी ए टी ताल यहाँ हूँ के 30 डिग्री प्लस एटा हूँ कौन बी ए टी एटा के आसला 65 डिग्री तो लिखा 65 ताले के 85 डिग्री हम ये आंसर बुझा पड़ा ना तो यहाँ आम आसीगला आर भैल्यू के आसला 85 डिग्री आसला तो नेक्स्ट देख ये कौन एम एंगेल बी टी क्यू मानी बर्तमान देखा एम एंगेल बी बी टी क्यू मीनस ए कौन पचार ठीक अच्छे ना बी टी क्यू एटा बाहर करवा देख तो पूरा सहज ये देख ए कौन जी हम ए कौन से हम कहीं देख आम जाने यहाँ हूँ कौन एकांतर चापातर लिखित कौन हम देख ये कौन बी टी हूँ कौन गोटे स्वर्श बिंदुगामी जिया ना ना तो ये कौन स्वर्श बिंदुगामी जिया हूँ बी टी ताल ये स्वर्श बिंदुगामी जिया को जियाटी स्वर्श जो कण उत्पन्न करुच्ची तार यहाँ कौन हम एकांतर चापातर लिखित कौन हम ताल कौन एटार ए कौन जहाँ ए कौन
कौन भी हम मीनस यहाँ तो आम पाई 65 तो यहाँ मतलब केत 65 ही हम तेल आम लिखीद नेक्स्ट कौन एम एंगल बी टी क्यू एम एंगल कौन बी टी क्यू इक्वल टू कौन हम एक कोण ना है बी ए टी एम एंगल बी ए टी इक्वल टू के 65 डिग्री तो 65 ना ना तेल देख आम यहाँ पाईगले के अतएव एम एंगल बी टी क्यू इक्वल टू 65 डिग्री तुम लिखिपर कौन ब्राकेट रे एकांतर चापांतर लिखित कोण एकांतर चापांतर लिखित कोण ठीक अच्छे ना ताल देख बर्तमान आमर एक नंबर सरला तो नेक्स्ट देख सतर दुई नंबर करवा तो बर्तमान देख आम करवा सतर दुई नंबर क्वेश्चन तो देख ये कौन अच्छी पूरा सेम क्वेश्चन अच्छे तो ये दुई नंबर कौन अच्छी एम एंगल बी टी क्यू देख एम एंगल बी टी क्यू मीनस ए कोण है ए कोण इक्वल कौन दे टू एम एंगल ए टी पी तो ये कौन दे टू एम एंगल ए टी पी ताल आम प्रमाण करवा कौन बी टी इक्वल टू टी पी तो सहीपर टी ए इक्वल टू ए पी तो आम ए दुईट प्रमाण करवा बुझे पड़ा कि फास्ट आम कौन देख एटर आमर एटी आम आंसर मुझे डायरेक्ट करुच्छे देख एम एंगल बी टी क्यू यहाँ इक्वल आम के टू एम एंगल ए टी पी देखे देख ये जो बी टी क्यू मीनस देख एम एंगल बी टी क्यू एटा हूँ कौन देख यार त्रिभुज बी टी पी ए त्रिभुजर एटा कौन है गोटे बहिस्त कोण है कि ना तो आम लिखिपर ये जो बहिस्त कोण इक्वल कौन हम तार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि सहित सामान हम मीनस ए कोण प्लस ए कोण लिखिपर कि देख ए कोण इक्वल आम कौन लिखा एम एंगल पी बी टी देख मैं लिखुच कौन एम एंगल पी बी टी देख ये जो पी बी टी बदल मुझे लिखिदेव ये कौन ए बी टी लिखी एम एंगल ए बी टी प्लस ए कोण ना को मुझे कौन लिखी ए पी टी एम एंगल कौन लिखी ए पी टी बुझा पड़ा कि तो गोटे त्रिभुजर बहिस्त कोण कौन तार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि सहित सामान ताल नेक्स्ट देख एठार एम एंगल बी टी क्यू इक्वल देख ये जो ए बी टी देख बर्तमान ए बी टी मीन्स ए कोणटा यहाँ हूँ कौन ए कोण सहित सामान ना ना तो ये दुटा हूँ कौन एकांतर चापांतर लिखित कोण ताले आम लिखिपर ए बी टी बदल में मुझे कौन लिखी ए टी पी लिखी तो ये लिखी एम एंगल ए टी पी प्लस कौन अच्छी एम एंगल कौन ए पी टी अच्छी बुझा पड़ा कि तो बर्तमान देख एटे एम एंगल बी टी क्यू जो रहा मीनस एवं आम भैल्यू पकईदे तो ये कौन बी टी क्यू देखिए के टू एम एंगल ए टी पी तो लिखा ये टू एम एंगल ए टी ए टी पी ठीक अच्छे ना ताल ये आम कौन पूरा सेम लिखीदे एम एंगल ए टी पी प्लस एम एंगल ए पी टी तो नेक्स्ट देख एठार एटे एम एंगल ए टी पी के दुईट अच्छे तो ये कौन अच्छी गोटे अच्छे आम गोटे कैनसल करें रण एम एंगल ए टी पी रक्वल कौन हम एम एंगल ए पी टी है बुझा पड़ा कि तो बर्तमान देख ये दुईट कौन नोट कर एम एंगल ए टी पी मैंने कौन देख एम एंगल ए टी पी मीनस ए कोण तो सहीपर कौन ए पी टी बर्तमान देखा ए पी टी मीनस ए कोण ए दुईट कोण सामान है मीनस देख ए जो त्रिभुज दुईट कोण जो सामान है मैंने ताले कौन हम ए बाहू सामान हम कि ना ताले ए बाहू ना हूँ कौन ए टी तुम लिखिपर कौन ए टी इक्वल टू ए बाहू ना हूँ कौन ए पी ठीक अच्छे ताल देख टी आम कौन आसला एटारे टी ए इक्वल टू ए पी मीनस आमर बी नंबर क्वेश्चन प्रमाणित होगा तो बर्तमान आम एक नंबर प्रमाण करवा देख एठार एंगल ए टी पी मीनस ए कोण आउ ए कोण ए दुईट हूँ कौन एकांतर चापांतर लिखित कौन तो बर्तमान लिखा देख एम एंगल ए टी पी एम एंगल ए टी पी इक्वल टू कौन हम एम एंगल ए बी टी इक्वल टू एम एंगल कौन ए बी टी ताल नेक्स्ट आम लिखिपर एम एंगल ए टी पी मीनस देख ये देख एम एंगल ए टी पी इक्वल कौन आसला एम एंगल ए पी टी आसला तो ये लिखिपर कौन एम एंगल लिखा ए पी टी लिखा इक्वल कौन अच्छी एम एंगल ए बी टी अच्छी ताल बर्तमान ये दुईट कौन आम नोटिस करवा तो देख ये कौन एम एंगल ए पी टी ए पी टी मीनस ए कौन आ गोटे हूँ कौन ए बी टी ए बी टी मीनस ए कोण देख ये जो बड़ त्रिभुजर ये कौन है ए कोण सामान है कौन हम ए कोणर सम्मुखीन बाहू आ कोणर सम्मुखीन बाहू सामान हो मीन ये कौन हम टी पी इक्वल टू कौन हम टी पी हम बुझा पड़े ना जोटा कि आम प्रमाण में पचार तो लिखीद कौन बी टी इक्वल टू कौन हम टी पी हम ठीक अच्छे तो यहाँ प्रमाणित होगा तो लिखीद प्रमाणित
ଆମେ ଦେଖିବା ସାତର ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ପି ଟି ଦେଇଛି କେତେ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଚଉଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯଦି ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛେଦକ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଉପପାଦ୍ୟ ଚଉଦରେ ପାଇଥିଲେ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ, ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ପି ବି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ପି ଟି, ପି ଟିର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି, ବାର ଅଛି, ତ ବାରର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପି ଏ, ପି ଏ ଅଛି ଆଠ, ଇଣ୍ଟୁ ଦେଖ ପି ବି ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ପି ବି ବଦଳରେ ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା, ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଲେଖିବା, ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ, ହେଲେ ବାରର ସ୍କୋୟାର ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଲେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟ ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି ପି ଏ ହେଉଛି କେତେ ଆଠ, ତ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ, ତ ଏଠି ଆଠ ଇଣ୍ଟୁ ଆଠ ଚଉଷଠି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ ଏ ବି ହେବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ଆମେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ, ଏଇଟା ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଏପଟେ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟ ଏ ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲେ, ୱାନ୍ ଫର୍ଟି ଫୋର୍ରୁ ଆମେ କେତେ ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ କରିବା, ମିନ୍ସ ଏଠି ଏଇଟି ହେବ, ତ ଏଇଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟ ଏ ବି, ତାହେଲେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟି ବାଇ ଏଇଟ ମିନ୍ସ ଦଶ, ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ଦଶ, ତ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାତର ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଟୁ ଏ ପି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଠର ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପି ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଆମେ ସେ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ପି ଟିର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି, ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ପି ବି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ପି ଟି ହେଉଛି ଆମର କେତେ, ଟୁ ଏ ପି ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଟୁ ଏ ପି ଏତିର ସ୍କୋୟାର, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପି ଏ, ତ ଏଠି ପି ଏକୁ ଆମେ ପି ଏ ଲେଖିବା, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପି ବି ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ପି ବି ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା ପି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଟୁ ଏ ପିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଏ କ'ଣ ହେବ, ପି ଏ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ତ ସେହିପରି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି, ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ମିନ୍ସ ଆମେ ପି ଏଟାକୁ ଭିତରକୁ ଗୁଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଟୁ ଏ ପିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫୋର୍ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ତ ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ ଅଛି ପି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଫୋର୍ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର, ଏ ଯେଉଁ ପି ଏ ସ୍କୋୟାରଟା ଏପଟେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଏପଟେ ଆସିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେବ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ପି ଏ କିମ୍ବା ଏ ପି ଲେଖିପାରିବା, ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଅଛି ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଏ ବି ମିନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ ଅଠର, ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟିନ୍ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲେ ଫୋର୍ ଏ ପି ସ୍କୋୟାରରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା ଏ ପି ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଥିବା ଥ୍ରୀ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର, ଥ୍ରୀ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟିନ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା ଥ୍ରୀ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର, ଏ ଯେଉଁ ପି ଏଟା ଆମେ ତଳକୁ ଆଣିଦେବା, ମିନ୍ସ ପି ଏ କିମ୍ବା ଆମେ ଏ ପି ଲେଖିପାରିବା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଏଇଟିନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏପିକୁ ଆମର ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା, ମିନ୍ସ ଆସିଲା କ'ଣ ଥ୍ରୀ ଏ ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଠର ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟିନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ତ ତିନି ଛକ ଅଠର, ମିନ୍ସ ଏଠି ଏପି କେତେ ଆସିଲା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସିଲା, ଏଠି ଏପିର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ପି ଟି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଟୁ ଏ ପି, ତାହେଲେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପି ମିନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ ଛଅ, ମିନ୍ସ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ଏଠି ଆନ୍ସର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସାତର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଟୁ ଏ ପି ଏବଂ ପି ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ପି ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ପି ଟି ହେଉଛି କେତେ ଟୁ ଏ ପି, ତ ଟୁ ଏ ପିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଦେଖ ପି ବି, ତ ପୁରା ସେମ୍ ଲେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଏ ପି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବା ଟୁ ଏ ପିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ଫୋର୍ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବିର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି କେତେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫୋର୍ ଏ ପି ସ୍କୋୟାର, ଏଠି ପି ଏଟା ଗୁଣନ ଅଛି, ଏପଟେ ଆସିଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆମର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ, ତ ଫୋର୍ ଏ ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍, ତାହେଲେ ଏ ପି ହେଉଛି କେତେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ବାଇ ଫୋର୍, ତାହେଲେ କେତେ ଚାରିଶହ ଟାଙ୍କ ଅଠେଇଶ, ଚାରିଶହ ଏକ ଚବିଶ, ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ସିକ୍ସ ଆସିଲା, ତ ଏଠି ଏ ପି କେତେ ଆସିଲା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପି ଟି ଦରକାର, ତ ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଟୁ ଏ ପି, ଟୁ ଏ ପି ତାହେଲେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ, ଏଇଟା ବି କେତେ ଆସିଲା
12 सेंटीमीटर ही आंसर बुझा पड़ला। तो वर्तमान में देखिबा 8 रो ए नंबर क्वेश्चन। तो देखो एडी कोन अछि दुईटी वृत्त बहिर्स्पर्शी हेले प्रमाण कर जे एहार तिर्यक साधारण स्पर्शक उपरिस्त जे कोनोसी बिंदुरु वृत्त द्वय प्रति अंकित स्पर्शक खंड द्वय सर्वसम। मींस देखो दुईटी बहिर्स्पर्शी वृत्त अछि। देखो एठारे S1 होछि गोटे वृत्त आ S2 होछि गोटे वृत्त। तो ए दुईटी होछि कोन बहिर्स्पर्शी वृत्त बुझा पड़ला। ताहाले कोन देखो प्रमाण कर जे एहार तिर्यक साधारण स्पर्शक। मींस देखो ए जो दुईटी बहिर्स्पर्श वृत्त रो एटी एल रेखा होछि कोन गोटे तिर्यक साधारण स्पर्शक एटा बुझा पड़ा ना। ताहले नेक्स्ट कौन दी तो उपरिस्त जेकोसी बिंदुर वृत्त द्वय प्रति अंकित स्पर्श खंड द्वय सर्वसम। मीन्स देख ए जो तिर्यक साधारण स्पर्शक आम जेकोसी एक बिंदु नेबा तो ये कौन पी नी तो ये पी बिंदुर वृत्त द्वय प्रति कौन मुझ दुईट स्पर्शक ये अंकन करी। ताल देख जो स्पर्शक खंड मीन्स कौन एटे पी क्यू आउ पी आर ये आम प्रमाण करवा कौन पी क्यू इक्वल टू पी आर आम प्रमाण करवा बुझा पड़ा ना। तो फास्ट आम दत्तरे लिखा तो ये कौन लिखा दुईट बहिर्स्पर्श वृत्त S1 वो S2 दुईटी बहिर्स्पर्शी वृत्त दुईटी बहिर्स्पर्शी वृत्त। नेक्स्ट लिखिदबा एठी एल रेखा होची एठारे कौन एल होची एठारे एल होची कौन वृत्त द्वयर एक तिर्यक साधारण स्पर्शक एक तिर्यक साधारण स्पर्शक ठीक अच्छे ना। तो नेक्स्ट देख आम कौन एल रेखा उपरे आम पी एक बिंदु देले लिखा एल रेखा उपरे पी बिंदुरु वृत्त द्वय प्रति आम कौन दुईट स्पर्शक ये अंकन कले तो लिखिदा पी क्यू ओ पी आर ए दुईटा हूँ कौन स्पर्शक खंड ठीक अच्छे एतिक आम कौन दत्तरे लिखिले। तो नेक्स्ट लिखा आम कौन प्रामाण्य तो प्रामाण्य कौन लिखा एटी स्पर्शक खंड द्वय सामान तो ये आम प्रमाण करवा लिखा पी क्यू इक्वल कौन पी आर ए दुईटी आम प्रमाण करवा बुझा पड़ा ना। तो देख बर्तमान आम लिखा प्रमाण। तो देख जदि आम एस वन वृत्त देखा तो ये जो एस वन वृत्तर ये पी हूँ कौन गोटे बहिस्त बिंदु ना ताल देखो जो पी बिंदुर एस वन वृत्त को देख दुईटी ये स्पर्शक आसी हाँ कि ना। देख आम लिखा कौन एस वन वृत्तर पी एक बहिस्त बिंदु पी एक बहिस्त बिंदु ठीक अच्छे। ताहले कौन पी बिंदुर ये दुईट स्पर्शक ये अंकन कराई हाँ कि ना। तो आम लिखा कौन पी बिंदुर एस वन वृत्त प्रति दुईट स्पर्शक खंड हूँ कौन पी क्यू आउ गोटे हूँ कौन पी एम ए दुईट दैर्घ्य सामान हम बुझा पड़े। देख गोटे वृत्तर बहिस्त बिंदु हूँ कौन पी ताल जो पी बिंदुर जो दुईट स्पर्शक अंकन कराई तो ये जो दुईट स्पर्शक खंडर दैर्घ्य सामान हम ना ना। तो बर्तमान लिखा कौन है पी बिंदुर वृत्त प्रति दुईटी स्पर्शक खंड दुईटी स्पर्शक खंडर दैर्घ्य सामान मीन्स कौन एटी पी क्यू इक्वल टू पी एम पी क्यू इक्वल टू कौन हम पी एम हम यटा को इक्वेशन वन देखिए रखीदे बुझा पड़ा। तो से हीपरी नेक्स्ट देख आम देखा एस टू वृत्त ये जो एस टू वृत्तर मध्य कौन गोटे बहिस्त है जो बहिस्त बिंदुर कौन ये वृत्त प्रति दुईट स्पर्शक ये आन से पी आर कौन हम पी एम सहित सामान हम बुझा पड़ा ना। तो लिखिद नेक्स्ट कौन से हीपरी कौन हम एस टू वृत्तर पी एक बहिस्त बिंदु पी एक बहिस्त बिंदु ताहले लिखा नेक्स्ट कौन पी बिंदुर एस टू वृत्त प्रति दुईट स्पर्शक खंड हूँ कौन लिखा पी बिंदुर एस टू वृत्त प्रति दुईटी स्पर्शक खंड दुईटी स्पर्शक खंडर दैर्घ्य सामान हम ताहले कौन हम एटारे पी आर आउ पी एम सामान पी आर इक्वल टू कौन पी एम एटा हूँ इक्वेशन टू देदे बुझा पड़ा ना। ताल देख इक्वेशन वन आउ टू रे राइट साइड सामान अच्छे लेफ्ट साइड सामान हो तो लिखा इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू रु आम कौन पाइबा आर लेफ्ट साइड कौन अच्छी पी क्यू इक्वल टू आर लेफ्ट साइड अच्छी पी आर ठीक अच्छे। तो प्रमाणित होगला बुझा पड़ा। तो बर्तमान देखा आठ रो दुई नंबर क्वेश्चन। तो
बर्तमान आम देखा आठ री नंबर क्वेश्चन तो देख एटी कौन अच्छी दुईट वृत्त अंतःस्पर्शी देख ये कौन एस वन आस टू हूँ कौन दुईट अंतःस्पर्शी वृत्त ताहले प्रमाण कर साधारण स्पर्शक उपरिस्त जेकोसी बिंदु उक्त वृत्त द्वय प्रति अंकित स्पर्श खंड द्वय सर्वसम ताल देख ये कौन गोटे साधारण स्पर्शक अच्छी दुईट वृत्तर कौन साधारण स्पर्शक अच्छी तो ये साधारण स्पर्शक जदि आम गोटे बिंदु नहीं जा मुझे पी नहींगली तो ये पी बिंदु दुईट वृत्त प्रति देख ये स्पर्शक अंकन करपर्शक खंड द्वय दैर्घ्य सामान बोली आम प्रमाण करवा मीन से कौन पी क्यू आउ पी आर सामान बोली आम प्रमाण करवा देख ये मुझे दत्त लिखी देती कौन एस वन आस टू हूँ कौन दुईट अंतस्पर्शी वृत्त आउ एल हूँ कौन तार गोटे साधारण स्पर्शक नेक्स्ट एल उपरिस्त एक बिंदु नेली मुझे कौन पी नेली तो पी रु दुईट स्पर्शक खंड हूँ कौन पी क्यू आउ पी आर ए दुईट हूँ स्पर्शक खंड ताल ए दुईटा कौन सामान बोली ये मुझे प्रामाण्य लिखिदेली तो बर्तमान लिखा कौन प्रमाण रोच देख ये लिखा एस वन रहिस्त बिंदु हूँ कौन पी ना ना तो बर्तमान लिखा एस वन रहिस्त बिंदु एक बहिस्त बिंदु हूँ कौन पी ताल कौन हम पी बिंदु देख एस वन प्रति दुईट स्पर्शक ये आोटे हूँ पी क्यू एटा हूँ गोटे स्पर्शक आउ कौन पी एस गोटे स्पर्शक हो बुझा पड़ा ताली कौन हम से स्पर्शक खंड सामान हम ना पी क्यू आउ पी एस कौन हम सामान हम बुझा पड़ा कि बर्तमान लिखा कौन पी बिंदु एस वन वृत्त प्रति एस वन वृत्त प्रति स्पर्शक खंड द्वय स्पर्शक खंड द्वयर दैर्घ्य सामान तो सेटा हूँ कौन पी क्यू आउ पी एस लिखिदे पी क्यू इक्वल टू कौन पी एस एटाक आम इक्वेशन वन देदे तो नेक्स्ट देख से हीपरी लिखा तो से हीपरी मुझे डायरेक्ट लिखिदे ये कौन देख ए जो एस टू वृत्त प्रति मत देख पी बिंदु दुईट स्पर्शक खंड आटा हूँ कौन पी एस गोटे स्पर्शक आउ कौन पी आर मैं गोटे स्पर्शक बुझा पड़ा ताल तुम लिखिपर से हीपरी कौन ये मुझे लिखिदे पी आर इक्वल टू कौन पी एस पी आर इक्वल टू कौन पी एस हम एटा हूँ इक्वेशन टू ताल देख इक्वेशन वन आउ टू रे कौन पाया राइट साइड राइट साइड सामान लेफ्ट साइड सामान हो लिखिदे इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू रे कौन पाया पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रमाणित ठीक अच्छे ना ताल देख बर्तमान आठ रि सरला तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवा नौ नंबर क्वेश्चन थैंक यू।